क्यों फन स्कूल बेबलेट बर्स्ट इंडिया में फेल हो गया। अब इसके पीछे बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, प्राइसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मेरे हिसाब से इनके फेलियर के पीछे एक मेजर रीजन ये भी है कि इन्होंने कोई प्रॉपर लॉन्चर ही रिलीज नहीं किया था। लाइक जब मैंने ब्लेडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे पास एक फन स्कूल स्टार्टर था जो कि प्रोटो लॉन्चर के साथ आया करता था, एंड जब भी मैं उससे अपने बेबलेट को लॉन्च करता था तो उंगलियों पर निशान पड़ जाते थे उस घटिया डिजाइन की वजह से, एंड फिर बेबलेट भी बहुत ही ज्यादा बेकार लॉन्च होता था, जिसकी वजह से एक टाइम पर मैंने बेबलेट खेलना ही बंद कर दिया था क्योंकि कोई प्रॉपर लॉन्चर ही नहीं था एंड जो थे भी वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहते थे। मतलब साला फन स्कूल ने एक लाइट लॉन्चर तक रिलीज नहीं किया था। स्ट्रिंग एंड सोर्ड लॉन्चर्स की तो बात ही मत करना, मैंने खुद रिव्यू करे हैं एंड वो भी बहुत ज्यादा बेकार थे। मतलब जो बेबलेट जापान में लाइट लॉन्चर के साथ रिलीज किया गया था उसी बेबलेट को इंडिया में प्रोटो लॉन्चर के साथ रिलीज किया जा रहा था कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए, एंड अगर कॉस्ट कटिंग करनी ही थी तो इन सबको बूस्टर पैक में डाल के अलग से भी तो लाइट लॉन्चर रिलीज किया जा सकता था ना, हर पैक में इस प्रोटो लॉन्चर को घुसड़ने की क्या जरूरत थी।